हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक बार लगाने से ही चेहरे पर कैसे ग्लो लाए। और आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, ये मैंने रात को भिगा कर रखे थे चावल और उड़द की दाल, सफ़ेद वाली उड़द की दाल। इसको आप चाहे तो रात में भी भिगा सकते हैं, या अगर दो चार घंटे भी भिगा लिए तो भी होता है ना। इसको हमको मिक्सर में अच्छी तरह बारीक पीस लेना है और छान लेना है। ये मैंने एक बना के रखा हुआ है, ये देखिए पेस्ट, ये एकदम इसको मैंने पीस के छान लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हनी मिलाएंगे। ये अब हम इसमें थोड़ा सा हनी मिलाएंगे। क्या होता है दोस्तों कि हमको कभी कभी अचानक से बाहर जाना पड़ता है और हमारा चेहरा बहुत डल दिखता है। अब हम सोचते हैं जल्दी जल्दी में क्या करें, क्या उपाय करें, कहाँ जाए और अपने चेहरे पे ग्लो लाए, है ना। तो ये बस मान लीजिए कि ये बस 10 मिनट का काम है। इसको 10 मिनट चेहरे पर लगा के रखिए और देखिए आपका चेहरा कैसे चमकता है। मैं आपको इसको अपने चेहरे पे लगा के दिखाती हूँ। दोस्तों, आपको चावल के बारे में तो पता ही है, चावल कितना फ़ायदेमंद होता है चेहरे के लिए, और उड़द की दाल जो वाइटनिंग का काम करती है चेहरे पे, और शहद, ये तीनों चीज़ें मिलाकर इतना कमाल दिखाती है चेहरे पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप खुद लगा कर देखिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और लाइक भी कीजिए। नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अरबी बनाने जा रही हूँ सारे ये वीडियो। आप लाइक और कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो दोस्तों बताइए ज़रूर। हल्के हल्के हाथों से बस मसाज करिए, गले में भी लगाइए थोड़ा। इसको कम से कम अपने चेहरे पे 15 मिनट तो रखिए। अब मैंने ये पेस्ट पूरे अपने चेहरे पे अप्लाई कर ली है, और इसको कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आप अपने चेहरे पर रखिए। मैं आपको 15 मिनट बाद चेहरा धो के दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मुझे अभी 15 मिनट हो गए हैं, अभी मैं अपना चेहरा आपको वॉश करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने अभी चेहरा वॉश किया है। अब आप देखिए चेहरा कितना शाइनिंग कर रहा है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये लगाने के बाद आपका चेहरा कैसे ग्लो कर रहा है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।